चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बता रहा है आपको? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी फिल इन द ब्लैंक। बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह से बता रहा है आपको, हमारे पास एक बल्ब है, ये हो गया आपका फिलामेंट। इस बल्ब को ऑपरेट किया जा सकता है, डिजाइन किया हुआ है, इट इज डिजाइन टू वर्क ऑन 220 वोल्ट एंड पावर 100 वॉट। पर बल्ब के साथ हमने जो बैटरी लगाया हुआ है या जो सोर्स लगाया हुआ है, इसका वोल्टेज है 110। तो जो पावर प्रोड्यूस होगा या पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा, हमें फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए वोल्टेज और पावर दिया गया है। चूंकि बल्ब वही है, दैट मीन्स फिलामेंट का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पावर का फॉर्मूला V2/R यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। पर बल्ब चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स पावर इज प्रोपोर्शनल टू V2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला P2/P1 इज इक्वल टू V2/V1 होल स्क्वायर। चले V2 की वैल्यू 110, V1 की वैल्यू 220। तो ये तो बच्चों हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4। अब P2, तो P2 इज इक्वल टू P1/4, क्योंकि P1 जो है वो डिनोमिनेटर में था, सामने न्यूमरेटर में जाएगा। P1 गिवन है 100 डिवाइडेड बाय 4। सो जो पावर कंज्यूम होगा वो 25 वॉट जितना होगा। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आंसर आएगा 25 वॉट।